पैदा करने का बायस बनता है। हाँ ठीक है डॉक्टर साहब, तो इसकी अलामत क्या है, कैसे पेशेंट को मालूम होगा कि मुझे डेंगू हो गया है? जो इसकी बुनियादी अलामत में तो आ जाता है हाई ग्रेड फीवर, यानी कि तेज बुखार, शदीद बुखार, और जिस्म में दर्दें होती हैं, पट्ठों में, जोड़ों में दर्दें होती हैं, कमजोरी, नकाहत। इसके अलावा कुछ मतली की जैसे एक कैफियत होती है, उल्टी आने की एक कैफियत होती है, आंखें जो हैं वो भी बोझल, और उनके आंखों के जो पीछे जो टिश्यूज हैं उनमें दर्द महसूस होगा। इसके अलावा ये है कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे, जिल्द के ऊपर कुछ रैश भी हमें नजर आ सकती है, और कुछ अलामात इसकी बड़ी खतरनाक है, जैसे कि ब्लीडिंग नाक के जरिए से, मुंह के जरिए से हो सकती है, और गम्स के अंदर से हो सकती है, और जिल्द के नीचे भी, जिसको हम पेटिकुलर हेमरेजेस कहते हैं, यानी कि वो छोटे छोटे से ब्रूजेस की